गुरु जी मेरा ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई गामनिया भी ना गुरु जी मेरा ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावणिया ही प्रश्न है छोटू जी बेमाता की मात बता दे बेमाता की मात पूछ बेमाता की मात बता दे सास बता दे गोरा की और पार्वती की सास को शिव शंकर का गुरु बता दे शंकर भगवान को गुरु को बात करा फिर ओरा की चार बुझा किसकी लड़की जो करी सहायता चोरा की सहायता करने वाली चार बुझा बाकी की बेटी चार बुझा किसकी लड़की जो करी सहायता चोरा की और उस साधु का नाम बता निर्मल जी जो करी सवारी मोरा की मेरे दिल का भ्रम मिटा दे कोई गामणिया एक कड़ी में पांच प्रश्न बताओगा जरूर और आज जरूरी को नहीं सही हुआ क्यों तारो के इंटरव्यू थोड़ी हुई गलतो शी गलतो जी निर्मल दास जी आप बताओ या वो साधु को सोचो को मोर की सवारी करी कोई बात करो मोर का जो साधु बने बड़े पहले तो लागो तो ते साइकोलॉजी में तो तर में राजीव शिव और थालो नापो के पियो जी पियो ही कौन नहीं के वो कोई एक अरे सांप की बात है एक जने की शांड ही शांड और शांड को एक बैडम बड़ी अब वो जो को खेत बाओ बदले क्यों खेत बेड़े जाते के रिश पा गई वो बिशांडड़ी का लकड़ी की और लकड़ी की इंया की जगह लगी बिशांडड़ी का तो बठी पड़ता ही खत्म हो शांड को धड़े जाके मुकदमो कर दो मुकदमो कर दियो जना दुनिया की वो जो को मारियो जके खेतालो धड़ियो बिकी भी पेशी पड़ी शांड को धड़े दिया
और जज हो कोई आपने साउथ खाने को केरला शायद वो सांड मारी बिन बोले रहे कोई सांड क्यों मारी ना बोले साहब अत कोई तक पीगी ना वो जज मन में विचार करो आपने सांड में पानी पाया कर रहे जब तक भी कोई पानी की चीज होगी सांड का दही ने जज बोले रहे तो एक खेत में तक क्यों पाई तो सांड को दही मन में विचार करो और काम भी राजू खुशी है जज जाओ ना जज ने बोलो थाली भी कोई तक्की पिए भी निर्मल दास जी बोलना बोले कोई तक पीएड़ी है तकी पीएड़ी है अभी बात करो चारों पांचों प्रश्न का गलत वशी तो जी सी छोटू जी एक को जवाब थे भी दो निर्मल दास जी क्यों कोई जरूरी कोई सही हो बे माता की मात बता दे सास बता दे गोरा की पार्वती की सासू को शिव शंकर का गुरु को और भी कौन बेरो अगले प्रश्न चला अरे उस लड़के का नाम बता जो ना माता पे पेट पड़ा उस लड़के का नाम बता जो ना माता पे पेट पड़ा माता पिता ना सुन के सिवाजी के माता ने नहीं भरा माता पिता ना सुन के सिवाजी के माता ने संघ के साथी बेमाता ने नहीं गया जन्म लेवता करी लड़ाई या को लड़को कौन है जो को मां के पेट में पड़ियो जन्म लेवता करी लड़ाई ने कोई आगे हो या खड़ा और सब लोगों को अरहा दिया जब देव लोक में सबसे पहले आन मना दे कोई गावड़िया ही या को लड़को छोटी जी ओ बताइए कौन हो उस लड़के का नाम बता जो नाम माता के पेट पड़ा और मात पिता ना संग के साथी बे माता ना नहीं बन बे तो प्रश्न और प्रश्न ही प्रश्न कर जाऊं का कुछ बात भी जो बताओ तीसरा प्रश्न है अरे बाप के ब्याह में बया बिचोला वो लड़का किस में सचेवता पुरुष युग की लड़ आया
वो लड़का किशन है, वो लड़को कौन हो जो बाप के ब्याह में बिचोलो बने। बाप के ब्याह में बना बिचोला वो लड़का किशन जाया और कर राक्षस का भेष देवता कौन से युग जिम्मण आया। राक्षस को भेष करके देवता कौन से युग में जिम्मण। अन्न धन का भंडार भरा पर छिक्या नहीं भूखा ठाया और जल परले में कसर कहा जब पीवण में ना जल पाया। परले में किसको आन बचा दे कोई गामड़िया ही बताओ। अब ठीक तो बढ़िया है। अब तो आगे प्रश्न मारो पछ उत्तर माशी जना बस सही हुआ है कि गलत हुआ है। लास्ट विकड़ी बताई है सती अपने मन से प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया है। प्राण त्याग की लड़के का छोला पाया है कि कोई जो को अपने आप आपकी कोशिश प्राण त्याग। सती अपने मन से प्राण त्याग के लड़की का छोला पाया और वही जवान जब पड़ी जरूरत किसके संग करवाया
पति सेवा बा करण में लाग गई, मन इच्छा फल बा पाया, सब सतियों में नाम कमाया, पर बेटे का सिर कटवाया। तू लक्ष्मी चंद समझ आते कोई गावणिया की आया की सती को अकेला जी फिर बता दो अच्छा पार्वती छोटू जी बताइए तार मत ही उपजी गेल का उत्तर ठीक कभी ने बताया पाछो ओ मने लिखा लेख में पाया फूल सभा में आया मने लिखा लेख में पाया फूल सभा में आया मने शिव शंकर के गुरु अमीरा बात करा थी पूरा की शिव शंकर के गुरु अमीरा बात करा थी पूरा की चार भुजा पर मां की लड़की कर शहल का छोरा की चार भुजा को प्रश्न हो बेमाता की मात बता दे सास बता दे गोरा की और शिव शंकर का गुरु बता दे बात करा फिर चार बुझा किसकी लड़की जो करी सहायता चोरा की उस साधु का नाम बता जो करी सवारी तो एक पाछो जवाब बताए है बेमाता की बात गाय बेमाता की मात गाय कई तरीके है ए भजन में बताई है कि मने भेद बता रहे ब्रह्मचारी जग में पहला नर हुआ ये भजन है मने भेद बता रहे ब्रह्मचारी नर्मदासी हो भी तारे सब्जेक्ट को भजन एक दुनिया में पहल छोटो लुगाई पैदा हो रही है या मोटियार पैदा हो सोचने का प्रश्न है और बात साची सीखने का भी नॉलेज का भी मन्नू अच्छा अच्छा देख डेबडियो जयशंकर प्रसाद की काम है नहीं हैं जयशंकर प्रसाद की काम है नहीं माफ़ कर जयशंकर प्रसाद की काम कमाई नहीं है कि मन्नू पैदा हो रहा है आपने तो कोई हिंदू शास्त्र है एक मैं बड़ी छेड़ का निकल रही बात सत्य नहीं भजन में बताई है आई है कोई बात ताकि बात बुखार गलत हो
नहीं आप महाली साक्षी नहीं, मेरी बात सुनो और शास्त्र उठा के देखिए, जो कि निराकार शक्ति है, बस सृष्टि की रचना करने के लिए मन में विचार करो तो आपकी शक्ति से एक लड़की पैदा करे। गोरखनाथ जी लिखी है, आपने आ लिखे ने शास्त्र में कई बताओ ने कि वेद वर्मा जी को मुख से पैदा हो रहा है, ये पढ़ रहा है गोरखनाथ जी को खंडन करे। गोरखनाथ जी आ कही है कि तेरा वेद बोलता ही लिखिया, तू झूठ जखे जगमाई, जखे दिन वेद कहे मेरा, तेरा ब्रह्मा जी के मुक्षु को नहीं, आदमी पैदा हो और बिन ज्ञान हो और बिन कोई भी लिपि में ज्ञान हो ना अक्षर, तेरा बादल लिख नहीं रहा, तेरी बात झूठ है, आ तेरा वेद बोलता ही लिखिया, तू झूठ जखे जगमाई, जखे दिन वेद कहे मेरा भाई, कौन सी पाठशाला पंडवा बैठो, कौन तन पाठी पढ़ाही, और ब्रह्मा विष्णु महेश ना होता तू मूर्ति क्या की पढ़ाई, जगत ने वेद कठे मेरा भाई, आठ गुणी पर्वत ना होता नौकुणी नाग नाई, 18 भार वनस्पति ना होता तू कलम क्या की पढ़ाई, जगत ने सृष्टि की रचना पानी को नहीं उकीर्ण, कोई लिपि में लिखे तो कोई शाही का रंग क्यों तो बढ़ाए हो, 18,000 प्रकार की वनस्पति बताओ धरती के ऊपर, भाई को नहीं कलम क्या की बढ़ाई क्यों लिखा, फिर बताई है एक जखेदिन अनगण देवता मन से शक्ति उपाय और सात पियाला धरत्री थ्रपिया जब रची महा भाई, पहला स्त्री पैदा हुई तो वह अलौकिक शक्ति जकी लड़की पैदा करी, जी को नाम आधा है आधा, और आधा के पेट से ब्रह्मा विष्णु महेश गायत्री को जन्म, और गायत्री के पेट से वे माता को जन्म, मनु मनु ए नहीं अकाल की बात तो बताई है, बे माता की मात गायत्री अनुष्या सास मानी गोरा की, अनुष्या ने गोरा की सास मानी, क्यों मानी, ऐसे की सरस्वती लक्ष्मी ए ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी, अन्य चर्चा सुनी के इस धरती पर सो बड़ी शक्ति अनुष्या, वे अपने आपके पता ने कहना की ब्रह्मा विष्णु महेश ने बोले भी कुछ शक्ति गाय क्यों नहीं मानते राजनी को नहीं, आपने मोटारा नौ महिला में अदर्जी ज्यादा है, 100 लुगाया में एक लुगाई स्वरूप हो गए तो कह निनाण में क्या करें, देख राण क्या कर बालू नाग की को देख तू क्या कर है, अब बहुत चलन हो गया मोटारा में काड़ो को जो लुल्लो लगड़ो कान उफड़ो बैठे रहे कोई परमा को नहीं, अब बहुत चलन हो गया, तब वह कहने लगी कि मेरे को शत बिगा के ब्रह्मा विष्णु महेश अनुष्या के दरबार पर जाए साधु को भेष बनाई, अरे कहने लगे माई भिक्षा दे अनुष्या की सुनेरी शास्त्र में बातें गेड़ घना आदमी जो मांगने ना जाए दिन जवाब दिया जाए, और सकड़ाई दी एक बार एक चौधरी को सत्संग सुनाया छोटू जी जना बिन सत्संग जो करड़ी वो आ कही के घरा एडे ने होठ को जवाब नहीं हाथ को उत्तर दे माड़ा फिरो चौधरी एक कुत्तू आ गया पोतन कह लगे जा बेटा रसोई को रोटी ला कुत्ता नहीं दिया छोरो फिरे बोल दादा जी रोटी तो बनी बोले लकड़ की तो जा खाली थोड़ी जान दे तो क्या है अनुष्या की सुनेड़ी के हाथ को जवाब तो बोले महाराज भिक्षा ग्रहण कर ब्रह्मा विष्णु कहना गया माई पहले वचन दो फिर भिक्षा अनुष्या वचन दे दिया वचन देता ही कहना गया माई मैं जब भिक्षा ले आऊंगा कहते तारी माँ के जल में जिया का जिया नग्न अवस्था माँ की मन भिक्षा दो तुम तो अनुष्या मन में विचार करो आप वचन भी दे दिया और यदि नग्न अवस्था में आ जाए तो आप पतिव्रता धर्म भी नष्ट हो जाए तो अनुष्या कह रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीन मान छछ में नका टाबर बना और पालन तो बन भिक्षा की नग्न अवस्था अब तीनों पालन में खेल रहे और वह तीनों जनी पार्वती लक्ष्मी जी महल्ला कटे गया महल्ला कटे गया ढूंढते ढूंढते आई जब बताई है क्या अनुष्या ने पार्वती की सास मानी गाय बेमाता की मात गायत्री अनुष्या सास मानी गोरा की और शिव शंकर के गुरु अंगीरा अब बात करूं मैं गोरा का अंगीरा गुरु चार बुझा ब्रह्मा की लड़की एक बार कोई चोर चोरी किया करता पर एक बार कोई एक गरीब आदमी को सीओ करना का था चोरा में तो क्यों भोकू अरे वह चोरी करने लगे तो वो पकड़ने लग गया
ब्रह्मा की लड़की ही बाबा को सहयोग करे क्यों परमार्थ को काम करे। चार बुझा ब्रह्मा की लड़की जो करी सहायता चोरा की और बालक नाथ इसे साधु जो करी सवारी गोरा की। गोरखनाथ जी के समय में एक बालकनाथ जी नाम का संत लड़ाई तो वे मोर की सवारी किया। बालकनाथ इसे साधु जो करी सवारी मोरा की। मन खोल सभा में गाया मन देखा सो माया। अगली कड़ी बताई है कि उस लड़के का नाम बता जो नाम माता के पेट पड़ा और मात पिता ना संग के साथी बे माता नहीं गया। वही तो प्रश्न है इसको पाछो जवाब है। अरे उस लड़के का नाम गणेश जो नाम माता के पेट पड़ा। उस लड़के का नाम गणेश जो नाम माता के पेट पड़ा। मात पिता ना संग के साथी बे माता नहीं गया। उस लड़के का नाम गणेश। गणेश जी पार्वती के पेट से जन्म ली नहीं। जब कैलाश पहाड़ पर रहा करता तो पार्वती की नाने की इच्छा हुई तो पहले लेटरिन बाथरूम हाकोनी ये कोई लुगड़ी और देकर के नहा करता। तो पार्वती मन में विचार करियो कोई आ जाए तो आपने और देखभाल कौन करे। तो आपके महल से एक लड़को बढ़ायो बताऊ अशास्त्र बताओ मनी और बिन खेलना की बेटा मैं नारियो हूं अटे कोई भी आदमी आवे मैं तेरी माँ हूं बिन आगे आनंद कर दे। उस लड़के का नाम गणेश जो ना माता के पेट पड़ा और मात पिता ना संग के साथी बे माता ने नहीं जन्म लेवता करी लड़ाई। अब मुंडा के खड़ा होया शंकर भगवान आया तो गणेश जी बोले आगे लड़के जाओ लेकिन तू कौन ही बोले मेरी माँ ना है आगे। अरे तू बेटो है वो जरा शंकर भगवान लड़ाई करी गणेश जन्म लेवता करी लड़ाई नहीं कोई आ गया और यहाँ खड़ा और शिव की सेना आरा गई जब देवलोक में जिक्र छिड़ा। सबसे प्रथम आन मना दे मनाया कोई मन खोल सभा में गणेश जी सौ परिया मना क्यों बुद्धि का देवता बतावे क्योंकि जब देवता की परीक्षा हुई कि सौ पहले पृथ्वी का चक्र दे के आवे गोल तो गणेश जी पार्वती ने और शंकर भगवान ने आपने बीती मुशक की सवारी ही बैठ के दोनों का चक्कर काट दिया बैठे इसलिए गणेश जी से पहले मनाई जो। तीसरा प्रश्न है कि बाप के ब्याह में बनिया बिछोड़ा वो लड़का किसने जाया। विषम पिता में को जन्म किसके पेट से हुए गंगा और पूरी कहानी आई रही है तो दर्द आ तो
तो है हाँ हाँ तो के निर्मल दास जी आ एक ही पड़ी की अत दिन और भी पड़ी मजाक बताई है उस लड़के बाप के ब्याह में बना बिचोला वो लड़का किसने जाया और कर राक्षस का भेष देवता कौन से युग जीवन अनदन का बया भंडारा छिक्या नहीं भूखा खाया और जल प्रलय में कसर कहा जब पीवन ने ना तो पशु जवाब है अरे उस लड़के का नाम समझो उस लड़के का नाम विष्णु जो गंगा मान राजा शांतनु और गंगा की शादी हुई तो गंगा आ गई राजा शांतनु कि देख मेरी बात की आज्ञा को पालन करने करनो पड़ेगा जके दिन तू मना कर दियो जके दिन आप साथ छोड़ गया तो गंगा का जकी संतान पैदा है गंगा राजा शांतनु देती जा गंगा में बाया को आठवीं संतान विषम है तो न गंगा में बाण न दियो राजा शांतनु मनो विचार करे कि कत्ते टाबरा ने बाह दिया तो दूसरी जगह छोड़ गया एक कर्मचारी के घरा और बोले बाह जो गंगा कहेंगा कि आपको साथ अत गंगा चली जाए और राजा शांतनु एक बार नदी के माँ की जाए और एक कीर की लड़की जिसको नाम हो सत्यवती सत्यवती शान शक्ल की बड़ी सुंदरी राजा शांतनु सत्यवती पर मोहित हो गया और शादी को निमंत्रण भेजे सत्यवती कि तू मेरे से शादी कर सत्यवती ने भी को बाप मना कर दिया कि राजा तारे राजगी अपनी पार्टी हो कि राजा को बड़ो बड़ो लड़को है बिंद राजगद्दी मिले तेरे तो गंगा को लड़को है विषम बिंद राजगद्दी मिल सी मैं तेरे साथ शादी को नहीं करूँ अब राजा शांतनु उदास रहे इस बात को बेरो विषम ने पड़े तो विषम और सत्यवती के घर जाए है और बच्चे प्रण ले है और वचन दे कि मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूंगा मैं शादी करूं कुछ तो मेरे पिता के सारे शादी कर ले तो सत्यवती राजा शांतनु का सारे शादी कर ले तो बिचावलों को काम विषम बात का जाना विषम बिचोला गंगा माने जाया और कर राक्षस का भेष देवता सतयुग में जीवन आया कदे भगवान शंकर के लड़के कार्तिक की शादी जरा गणेश जी लेगा को नहीं बोलेगा तो सूर सांड है गुरु वर्ग है इन लेगा को नहीं राक्ष को भेज करके गणेश जी गया और गणेश जी बैठे बन भरने चमत्कार कराने गया कुबेर का बरहा भंडारा कुबेर का भंडार भरेड़ा कुबेर ने मनावा के पर भूखा दाफ्या नहीं भूखा ठाया गणेश जी दाफ्यो को धक्का देगी दिमाड़ा खाते बोले तो खासी तो गणेश जी झाड़ माकी और पानी में नीचे खींच ले जल परले दो प्रकार की एक तो ज्यादा जल पड़ गया बाबी परले हुए और एक पेड़ ने भी जल नहीं हुए बाबी परले हुए तो पानी खींच ले नीचे जल परले में कसर कहां जब पीवन ने ना जल पाए परले में किसको आन बचा दे परले में किन बचाए गया अब कोरोना चले तो अपन ये ऑक्सीजन के महत्व को बेरो पड़ी हो नहीं है चेता कर ना ना देवा आज ही कही के मैं सजा लेती हूँ मैं छिड़ाऊंगा मेरा डब्बा बन बड़ा आज ही कहीं कही मत जाया करो जो वातावरण में घोषित करो
गवर्नमेंट तो जो मैं सुन के गया महापुरुष तो पेड़ प्यार लगाने के चार बजे चले जाऊ तू क्यों गंजा हो हंसने की बात को नहीं है वायुमंडल के नाई और अपना महापुरुष बड़ा विद्वान है तो बड़े पीपल दो पेड़ है 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़े कार्बन नहीं ऑक्साइड ग्रहण करे जी हाँ बड़े मर पीपल में भी अंतर हो पीपल एक दिन में जी 10 सिलेंडर ऑक्सीजन का छोड़ते तो बड़े बड़े 100 सिलेंडर छोड़े तो बड़े को महत्व बड़े लागे भी बहुत हो जो महापुरुष आ बताई इन्हें जोड़ दियो धर्म शु भी बड़ने तो चाहे पीड़ ने एक लोटो तो आधो लोटो बड़े के ना गाल परले में बड़े का पेड़ बचाया मैंने खोल सभा में गाया जो आखिरी कड़ी है सखी अपने मन से प्राण त्याग के देखो जवाब है सखी अपने मन से प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया राजा दक्ष की लड़की को नाम अनन्य जबकि भगवान शंकर के सागर शादी करे राजा दक्ष मायज्ञ करियो तो अनन्य कह लगे मेरे पति ने भी बुलाया आपके पिता ने कह लगे अरे मैं भी यज्ञ में बैठ राजा दक्ष मना कर देखो नहीं बुलाऊ तो राजा दक्ष जको यज्ञ करे भी अमन कुंड के मा और अनन्य आपकी इच्छा सुकूद की अरबी के मां प्राण सती अपने मन से प्राण त्याग के लड़की का चोला पाए और फिर दोबारा जन्म में राजा जड़के पार्वती बड़ी की जन्म ले अपने मन से प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया वही जमान पड़ी जरूरत जब शिव के संग ब्याह करवाया किसके संग शिव के संग ब्याह करवाया पति सेवा बा करण लागरी इच्छा मन इच्छा फिर बा पाया और उस सती का नाम पार्वती जो बेटे का शिव कि को गणेश जी जले और नहीं माने है तो भगवान शंकर सिर कलम कर दी फिर पार्वती पाछी जिद करे तो कह आखी के बच्ची को सिर दिखाए लगाए बोलो लक्ष्मी चंद ने समझ आया मन खोल स्वभाव में मन लिखा लेख में पाया मन खोल स्वभाव में आया चारो प्रश्न कहता है जवाब ये बार जयकारो लगा दो बोलो शंकर भगवान की हाँ बजरंग जी अब बोलो थे